स्वागत हमारे YouTube चैनल धनबाद रिकॉर्ड होल्डर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं सीखने वाला हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप ओल्ड टाइटल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल में, इजी वे में, A to Z कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओल्ड टाइटल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो टाइटल होता है, एक होता है ओल्ड टाइटल, एक होता है न्यू टाइटल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ओल्ड टाइटल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल पे सर्च किया हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में नज़र आएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की तरफ से ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट पे आएंगे, अभी आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल साइट पे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स, स्पॉटलाइट्स, बुक्स, बिजनेस सॉल्यूशन, न्यूज, अबाउट अस। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो नज़र पहला आता होगा रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई टू सेट और ब्रेक ए रिकॉर्ड। तो मैं अप्लाई टू सेट और ब्रेक ए रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको सिंपल वे में क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई, अप्लीकेशन प्रोसेस, हॉल ऑफ फेम, रिकॉर्ड्स, शोकेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई टू सेट और ब्रेक ए रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स में दिया गया है अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉग इन, ईमेल और पासवर्ड। तो लॉग इन आप कब कीजिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे आप जब नीचे जाइएगा, बॉटम में जाइएगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब आपको एक ईमेल पे अब पासवर्ड ईमेल दिया जाएगा, वही उसी के मीडियम से आप ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे, तब आप लॉगिन कीजिएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में न्यू टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ में क्रिएट अकाउंट नाउ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब कि आपको जीरो है, आपको नॉलेज नहीं है कि हम कैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ओल्ड टाइटल है। इसमें दो टाइटल होता है, एक न्यू टाइटल, एक ओल्ड टाइटल। ओल्ड टाइटल क्या होता है मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, ठीक है, इसी में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने बता देता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, पूरा बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो आप सीख नहीं सकते। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आप योर डिटेल, यहाँ पे अपना लास्ट नाम देना होगा, फर्स्ट नाम देना होगा, जैसे कि मेरा नाम है सनी रंजन पासवान, तो यहाँ मैं लास्ट नाम में दूंगा पासवान, फर्स्ट नाम है सनी रंजन, अपना हिसाब से देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, सेलेक्ट कंट्री, आप कौन सा कंट्री से हो, आपका स्टेट क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और कन्फर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप दे रहे हैं वही आप फिर से देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पासवर्ड देना होगा, जैसे कि हम मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ कैपिटल SANI06@, इस टाइप के अपना ध्यान से दे दीजिएगा, फिर आप फिर कन्फर्म पासवर्ड फिर देना होगा आपको, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद जब आप फिल कर लीजिएगा, मैंने पहले कर दिया हूँ इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर, आप जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आपको कहाँ चाहिए इसका मेल आएगा, जिसमें आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल पे आप बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, टिक करने के बाद यहाँ पे आप एग्री पे कर लीजिएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी सही है ना, क्योंकि ईमेल आईडी सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पे चल जाइएगा,
जब क्रिएट अकाउंट पे जाइएगा तो आपको आईडी पासवर्ड मेल में आएगा। आप में अपना मेल कीजिए, जो आप मेल आईडी दिए हैं आप एक बार मेल चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। ईमेल आईडी आप पासवर्ड आप जो जनरेट किया उससे आप लॉगिन कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले फिर से मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। इस चीज़ आप बढ़िया से ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी दीजिएगा, आप पासवर्ड दीजिएगा। जैसे कि जो भी आपका ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा। अब पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे कैपिटल एस एच ए एन आई, तो उस टाइप का आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका नाम है। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया, अब पासवर्ड भी दे दिया। फिर मैं क्या करूँगा, गो पे क्लिक करूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि ओल्ड टाइटल और न्यू टाइटल क्या होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि आज हम लोग सीखने वाले हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओल्ड टाइटल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ओल्ड टाइटल मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरा हाथों की कलाई एक मिनट में 200 बार पटकता है, तो मतलब इंग्लिश में मैक्सिमम रिच फ्लिप इन वन मिनट 200, ठीक है। अब मैं यही चीज़ सर्च करूँगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट में, सर्च में करूँगा, देखता हूँ यदि आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब क्या करना होगा, अप्लाई फॉर रिकॉर्ड, यहाँ अप्लाई फॉर रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड देख लीजिएगा, अप्लाई फॉर रिकॉर्ड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड एप्लीकेशन सर्च। तो यहाँ मैंने जो आपको एग्जांपल दिया हूँ कि मैक्सिमम रिच फ्लिप इन वन मिनट 200, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया मोस्ट हैंड रिच फ्लिप, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप सर्च कर लीजिए जो भी आपका रिकॉर्ड टाइटल है, जैसे कि आप कोई रिकॉर्ड बनाए हैं या आपका इंडिया में बना है या एशिया में बना है, उसी का टाइटल के थ्रू आप यहाँ अपना टाइटल पेस्ट कर दीजिएगा। यदि आया, ध्यान दीजिएगा जब अपना रिकॉर्ड टाइटल जब यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आता है। तो जैसे कि मैं सर्च कर दिया हूँ मोस्ट हैंड रिच फ्लिप, तो यहाँ पे तो मेरा दिख नहीं रहा, मतलब कि मुझे अप्लाई करना होगा न्यू टाइटल में। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि आज मैं न्यू टाइटल में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, ओल्ड टाइटल में। तो मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि मोस्ट हैंड रिच फ्लिप यहाँ पे आया तो नहीं, मतलब नहीं आया तो अप्लाई होगा न्यू टाइटल में, बट मैं आपको अप्लाई करने बता रहा हूँ ओल्ड टाइटल। तो मान के चलिए कि आ गया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आप ओल्ड टाइटल में अप्लाई करते हैं तो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रुपया नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू टाइटल में जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको पेमेंट करना होगा, $5 देना होगा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में, तो नो न्यू टाइटल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्ड टाइटल में, तो ओल्ड टाइटल में आपको एक रुपया नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी इंसान आपको बोले कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना दूंगा आपका, 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, तो आप भूल से भी उसको एक रुपया तक नहीं दीजिएगा। तो मैं अभी आगे नेक्स्ट पढ़ता हूँ ओल्ड टाइटल के लिए। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करता हूँ। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि न्यू टाइटल में आप पेमेंट कीजिएगा $5, ओल्ड टाइटल में आपको पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये वीडियो आपका ओल्ड टाइटल में, आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये वीडियो ओल्ड टाइटल में। तो यहाँ पर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पढ़ता हूँ। विल दिस रिकॉर्ड अटेम्प्ट बी अचीव विथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए टीम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नोट कीजिएगा
कंटिन्यू। यहाँ पे यस नो इसमें कोई मतलब नहीं, आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है आप डिटेल जो भरे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डज योर रिकॉर्ड अटेम्प्ट इन्वॉल्व मेकिंग वेरी लार्ज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट फूड स्टाफ इस सब पेंटिंग ड्राइंग ETC। तो आपका जो भी कैटेगरी में आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन आपका है कि टाइटल आप क्या दे रहे हैं, बेसिक डिटेल क्या दे रहे हैं, वो आपका बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वीडियो लंबा होगा बट एक बार आप समय निकाल के वीडियो देखिए यदि आप रिकॉर्ड होल्डर बनना चाहते तब। अब यहाँ पे क्या देना होगा, डेट ऑफ अटेम्प्ट वेरिफिकेशन डिस्कवरी, आप किस तारीख को रिकॉर्ड बना रहे हैं या किस तारीख को आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपका ओल्ड टाइटल है तो मतलब कि आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आज का डेट दे दीजिएगा। तो यहाँ मैं दे देता हूँ 27। और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर माई डेट, तो यदि आप श्योर नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यू आर नॉट श्योर व्हेन यू रिकॉर्ड अटेम्प्ट विल टेक प्लेस, आप श्योर हैं कि नहीं श्योर हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इफ यूर वुड लाइक टू रिसीव योर गाइडलाइंस सूनर देन द स्टैंडर्ड 12 वीक, स्टैंडर्ड जब अप्लाई कीजिएगा तो 12 सप्ताह आपको लगेगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सजेस्टेड रिकॉर्ड टाइटल, जो आप रिकॉर्ड टाइटल ओल्ड टाइटल में जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं यहाँ पे आपका टाइटल दिया गया, यही रिकॉर्ड आपको तोड़ना। तो वी विल पर्सनली बी मेकिंग द अटेम्प्ट, यहाँ पे आप यस कीजिएगा। यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा, तो मेल कर लेता हूँ, यहाँ पे आप मैं मेल कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर, क्योंकि अपना नंबर देना उचित नहीं रहेगा। नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अटेम्प्ट कंट्री रीजन, तो यहाँ इंडिया, कंट्री स्टेट, तो आप कहाँ से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, तो मैं यहाँ झारखंड से हूँ, झारखंड से भी क्लिक करूँगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं धनबाद लिख देता हूँ क्योंकि मेरा सिटी धनबाद है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेजरमेंट, यहाँ पे करेंट मेजरमेंट है, द करेंट रिकॉर्ड 252 पीपल, तो यहाँ पे आप 253 कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि 253 जगह आप 255 कर दीजिए। 255 करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, जैसे कि वो टाइटल था उस टाइटल के हिसाब से यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, और आप कहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं, आपका प्लेस क्या है, वो सब यहाँ पे डिटेल में लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना पर्पस क्या है, तो पर्पस में यहाँ बहुत सारी चीज़ दिया गया है, लाइफ, इंटरटेनमेंट, पर्सनल अचीवमेंट, तो यहाँ पे आप पर्सनल अचीवमेंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यस लिख देता हूँ, क्योंकि आपको जो मैं बताया हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको फिल कर देता हूँ, मैक्सिमम रीच फिलिप 1 मिनट 201 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप प्लेस लिख लीजिएगा, तो यहाँ मैं धनबाद लिख लेता हूँ, स्टेट, झारखंड, और आज का डेट लिख लीजिएगा 27 दिसंबर 2021। यदि आप कॉलेज से अप्लाई कर रहे हो, कॉलेज का भी एड्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना टाइटल, प्लेस,
और झारखंड और आज का डेट। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको पानी की तरह इजी वे में समझ आ जाएगा। यदि आप रिकॉर्ड होल्डर में इंटरेस्ट हो, आप रिकॉर्ड होल्डर बनना चाहते हो, तब आप अब यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर इंक्वायरी, जो आप प्रपोजल के लिए अप्लाई किए हो ओल्ड टाइटल के लिए, जो दूसरे लोगों का आपका रिकॉर्ड ब्रेक करना है ओल्ड टाइटल के लिए, तो यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर इंक्वायरी के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे आप बढ़िया से पढ़िएगा डिटेल, क्या क्या सर्विस है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको यू लिव फॉरवर्ड टू वर्किंग यूथ यू बेस्ट यू से द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट डिटेल बता दिए हैं कैसे आप ओल्ड टाइटल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में न्यू टाइटल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप रिकॉर्ड टाइटल सेट कर रहे हैं, तो वीडियो आने वाला है, दमदार खतरनाक वीडियो आने वाला है। कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखें दोस्तों, कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ओल्ड टाइटल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ओल्ड टाइटल में क्या पैसा लगता है। इसमें आपको एक रुपया तक नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओल्ड टाइटल में आपको एक रुपया तक नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्टिफिकेट तक लेके आपको बीच में एक रुपया तक नहीं लगेगा। जो लोग बोलते हैं कि 5,000 लगता है, 10,000 लगता है, तो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। ऐसे लोगों से, फ्रॉड लोगों से बचिएगा। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और गुड नाइट।